है मिस्त्री। अरे देखिए वो चूहा भी है ना उसी में ऊपर में, अभी हम चेक करके ही गए थे कि हाँ इधर देखिए भाग रहा है चूहा, देखिए ऊपर। हाँ। तीसरा वाला बोरी जो पीला वाला है उसी के नीचे दीवार साइड में, इधर का पक्षी दिखाई दे रहा है। हाँ इधर वो चूहा है, चूहा था वही पर। ये गेटवा नहीं खुलता ना? नहीं खुलता है वो, जब जब से तुम बोरा हटाओ। रुकी बोरा कुछ वो दीजिए तो लाइट दीजिए तो अंधेरा है इधर, दिखाइए कुछ। ये पीला वाला बोरे बोले है ना? हाँ पीला वाला बोरा, चुभा देखिए भागा। तीसरा नंबर वाला बोरा जो है नीचे का, ये हाँ उसके नीचे ये, हाँ सफेद है फिर सफेद के नीचे फिर पीला वाला दीवार साइड में। अच्छा भैया भी पीछे खड़े हैं ना? हाँ हाँ मतलब जाए ना, जाए तो चला ही जाए, या तो पकड़ा जाए तो भाई ना ना पकड़ा चला जाए, तो चला जाता है एरिया में छोड़ देगा जो है। अब एक काम करना पड़ेगा ना, क्या अब ये बोरा ही कोई हटा के देखना पड़ेगा क्योंकि इसके किनारे किनारे कहीं दिख नहीं रहा है। इधर भी है इधर थोड़ा आप देखिएगा तो, बोरा से इधर उतरा तो नहीं था ना नीचे? नहीं नहीं उतरा नहीं था, फिर मंदिर निकाला था। चूहे को तो नहीं देख के आपको कंफर्म? नहीं 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 एकदम कंफर्म बता रहे हैं, तीनों लोग देखे थे हम लोग तो। भैया फिर भेजे फट से जो है उधर, ये धीरे धीरे जो है जा रहा था अंदर। बंद करिए रिकॉर्डिंग, थोड़ा बंद करिए। पकड़ना भी इसको झटके से नहीं तो घुस जाता वहां तो है। चलिए चलिए डरिए मत, देखो इसके बारे में। एक तो बोरा दीजिए, बोरा दे तो देखिए बाबा आप क्या बोल रहे थे? आइए इधर आइए, इधर आइए। नहीं नहीं मारने का नहीं, कुछ और बात बता रहे थे। पोछी बिक रहता है, देखिए उनका बाबा काटता नहीं है। तो पोछी पकड़ ली है अपना, उधर दिखाइए बाबा को दिखाइए, इधर मुझे पोछी ताको मार देगा, काटा आता है पोछी। हाँ देखिए बाबा का कहना है कि इसके पूंछ में काटा, तो हम बाबा को दिखा देते। देखिए इसके पूंछ उसमें कहीं कोई काटा वाटा कुछ नहीं है। तो ये है जो हम लोग थोड़ा बहुत जो हमारी कहावतें पहले की जो चलती आ रही है, हम लोग सोचते हैं कि ये सांप जहरीला है, चाहिए है ऐसा कुछ है नहीं। देखिए पीले कलर का पूरा है, कहाँ के बाबा कहाँ गए? डरिए मत, आइए फंस आइए, जानेंगे नहीं आपको। देखिए चक्की जो है आपका पूरा जंगल वाले इलाके में ही है कि आपको इसकी संभावना जो है हमेशा कभी ना कभी होगा। अगर इस सांप के बारे में आप जानकारी रखेंगे तो कम से कम कुछ तो आपको डर कम रहेगा कि कौन सा सांप है क्या है। तो ये है देखिए धामिन, धामिन है हाँ, हम जानते इसको घोड़ा पछाड़ देते हैं इधर ही बाबा। अब क्या बात है इसके बारे में, पूंछ के बारे में? पूंछ में बीक है, तब पूंछ से फट मारेगा तब बीक लग जाएगा। तो उससे आदमी मर भी सकता है? मरेगा नहीं, मतलब जैसे गलता लग जाता है जो शरीर में जो फैल जाएगा।
तो मगर देखिए बाबा ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए हमारे हाथ में पूरी तरीके से लिपटा है, ये कैसे भी हो तो इसके पूंछ में एक बार पकड़ के देखिए इसको, पकड़ के देखिए, आपको ज्यादा डर है ना, एक बार पकड़िए पकड़िए, पकड़ के देखिए, अरे देखिए कहाँ काटा है, देखो यार इसको कहीं काटा है पीछ में, तो देखिए इसके पूंछ में कोई कांटा नहीं रहता है, ये हमारा अंधविश्वास है कि इसके पूंछ मारने पे सड़ जाता है, गल जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए वन में है तो ये बेचारा यहाँ मेढक वोढक ज्यादा है, आपके चक्की में चूहा तो देखे ही है, तो कितने बड़े चूहे थे, तो उसी चक्कर में खाने आया था, बाकी और ऐसा कोई बात नहीं कि जहरीला है। बाकी आप लोग देखिए बाबा, जानवरों को बचाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारी पृथ्वी में क्या है, सुंदरता के तौर पर ये पेड़ पौधे नदी नाला ही बचे है ना, और कुछ तो सुंदरता है नहीं, और धीरे धीरे आदमी इतना ज्यादा निर्माण कर रहा है कि बिल्डिंग पे बिल्डिंग बना रहा है, जो पेड़ थे वो सब खत्म हो रहे हैं, तो बचेगा क्या, बस वही बिल्डिंग लोहा लक्कड़ बचेगा, और इनका जो नामो निशान मिट ही रहा है। और हमारी पीढ़ी देखिए, आप तो कई बहुत कुछ देखे होंगे, पहले यहाँ मोर थे कि नहीं, तो मोरों का नामो निशान देखिए कम हो गया, अब छोटे छोटे बच्चों को मोर देखने को नहीं मिलता कि मोर देखना है, अब कुछ नहीं रहा है, तो ये भी कुछ समय में विलुप्त हो जाएंगे, तो आप लोग सब सपोर्ट कीजिए, ठीक है भैया, ठीक है भैया, थैंक यू। तो देखिए जो स्नेक अभी उन्होंने पकड़ा, ये हमारा रेड स्नेक है, जिसको हम लोग धामी कहते हैं, तो देखिए पूरे पीले कलर का है, पीले पीले टाइप का है, और ये बिल्कुल इकोसिस्टम के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत उपयोगी है, और ये बड़ा एग्रेसिव सांप है, मौका पाते ही आंख तक उछल के काट लेता है, अगर इसको गलत तरीके से पकड़ा जाए, देखिए कैसे उछल रहा है काटने के लिए, देखिए रोड पे इसकी ग्रिप जो है बन नहीं पाती, मगर जैसे जंगल झाड़ी में जाएगा वो देखिए झाड़ी में स्पीड कितनी तेज, वो सरसरा के भाग जाता है।